गुड मॉर्निंग 11th क्लास बेटा, अपनी पिछली वीडियो में हमने द्रव्यमान केंद्र वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको बोला था कि अब नेक्स्ट वीडियो हम न्यूमेरिकल्स की करेंगे। तो मैं आपको दो टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी आज, और इन दोनों में से जो सेकेंड टाइप वाला न्यूमेरिकल कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। उस टाइप का मतलब कि उसके जैसे वो नहीं आएगा, पर उसके जैसे और न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आप वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिर मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी जिसमें उसके जैसे ही न्यूमेरिकल्स आपको दूंगी। तो इस वीडियो को देख के आप वो न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो पिंड जिनके द्रव्यमान 1 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम है, इनके वेग क्रमशः आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड तथा -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड है। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। तो जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है, द्रव्यमान केंद्र वाले चैप्टर में जो हमने सबसे पहले पढ़ा भी था, RCM इज इक्वल टू होता है m1 r1 प्लस m2 r2। और भी आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि दो पिंडों की बात हुई है ना, तो इसलिए हम यहीं तक इसको रखेंगे। तीन की होती तो इसको m3 r3 भी प्लस में कर देते और अपॉन में m1 प्लस m2। अब क्योंकि हमें वेग निकालना है द्रव्यमान केंद्र का, तो इस पूरी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के सापेक्ष, अवकलन कर देंगे इसका। तो ये क्या बन जाएगा, drCm अपॉन dt, क्योंकि हमने टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। फिर m1 यहाँ पर किया dr1 अपॉन dt, यहाँ r2 का किया dr2 अपॉन dt, और नीचे m1 प्लस m2 एज इट इज रहा। अब स्थिति सदिश को जब हम समय के सापेक्ष अवकलित करते हैं, जैसे हमें पता ही है स्थिति बटे समय क्या होता है, वेग होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वेग। और क्योंकि ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है, तो इसलिए वेग भी जो होगा वो क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र का होगा। VCM इज इक्वल टू m1 dr1 अपॉन dt क्या हो गया, v1 प्लस m2 dr2 अपॉन dt क्या हो गया, v2 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। m1 जो है वो दिया हुआ है 1 किलोग्राम, m1 का मान रखा है 1, और v1 वेग दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वो मान हमने यहाँ पर रख दिया। इसी तरीके से m2 कितना दिया हुआ है, 3 किलोग्राम, तो 3 रख दिया, और v2 कितना दिया हुआ है, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, और अपॉन में 1 प्लस 3। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 1 के अंदर मल्टीप्लाई होने पर एज इट इज रहेगा, और ये प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई होने पर 3 3s are -9, क्योंकि अंदर माइनस का है ये, 3 2s are 6, 3 1s are 3, और अपॉन में 1 प्लस 3 हो गया 4। अब ये आई कैप, ये माइनस का 9 i कैप, तो आई कैप और माइनस का 9 i कैप हो गया -8 i कैप। फिर प्लस 2j कैप प्लस 6j कैप, 2 और 6 कितना हो गया, 8j कैप। फिर k कैप प्लस 3k कैप, 1 और 3 हो गया 4k कैप, और अपॉन में 4 है ही, इन सब में से 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन लिया, अंदर रह गया -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और अपॉन 4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो VCM जो आया हमारे पास -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और क्योंकि ये द्रव्यमान केंद्र का वेग है, VCM है, इसलिए इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखिए। 3 ग्राम 4 ग्राम और 5 ग्राम के 3 कण इस प्रकार रखे हैं कि 1 मीटर भुजा के 1 समबाहु त्रिभुज की रचना होती है। 3 कणों के इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग पहले इसका डायग्राम एक बना लेना। एक वर्ड इसमें यूज हुआ है समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, और इस पर 3 ग्राम
चार ग्राम और 5 ग्राम के 3 कण रखती है, और समबाहु त्रिभुज कैसा है, एक एक मीटर भुजा वाला, तो ये भी 1 मीटर भुजा, ये भी 1 मीटर भुजा और ये भी 1 मीटर की भुजा। अब त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज तो 2 डायमेंशनल फिगर हुई, तो इसको एक्स वाई तल पर हमने रख दिया, और एक्स वाई तल पर इस तरीके से रखा कि 3 ग्राम कर्ण वाला जो 3 ग्राम वाला जो कर्ण है वो इसके मूल बिंदु पर है। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 4 5 लिया, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं 3 4 5, पर वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें आप क्या लिखेंगे कि 3 ग्राम वाला जो कर्ण है वो कहाँ रखा है आपने, मूल बिंदु पर, ठीक है। तो जो द्रव्यमान केंद्र होगा इस फिगर का, ये जो त्रिभुज है इसका फिगर, इस फिगर का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो यहीं पर कहीं होगा, इनके बीच में ही होगा, और वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो द्रव्यमान केंद्र बराबर क्या होगा, एक्स सी एम और कॉमा वाई सी एम, इसके ये निर्देशांक होंगे, इसके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो हम एक्स सी एम को अलग से निकाल लेंगे और वाई सी एम को अलग से निकालेंगे। तो एक्स सी एम का फॉर्मूला क्या होगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, 3 कण है ना, इसलिए एम थ्री एक्स थ्री, और अपॉन में एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। इसी तरीके से वाई सी एम क्या होगा, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री, और अपॉन में एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यूज रखने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वन वाई वन होंगे, यहाँ वाले जो होंगे वो एक्स टू वाई टू होंगे, और जो यहाँ वाले होंगे वो एक्स थ्री वाई थ्री होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस्ड पर आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। वैल्यूज तो सिंपल आपको रखनी है, पर कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ 3 ग्राम कर्ण वाली बिंदु की मैं बात करती हूँ। ये मैंने आपको जैसे कि बोला भी था कि ये जो कर्ण है ये मूल बिंदु पर रखा है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट में जो पहले वाला होता है वो उसे बोलते हैं हम भुज, जो एक्स डायरेक्शन वाली को शो करता है, और दूसरे वाला जो निर्देशांक होता है उसको हम बोलते हैं कोटि, जो वाई डायरेक्शन वाले निर्देशांक को शो करता है। तो मूल बिंदु के तो होते हैं 0 0, यानी ये एक्स वन है और ये वाई वन है। अब हम 4 ग्राम वाले की बात करते हैं। 4 ग्राम के लिए एक्स तो है ये क्या है, 1 मीटर, तो एक्स तो हो गया 1, और वाई ये तो वाई अक्ष पर है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक्स अक्ष पे है, तो इसलिए वाई क्या हो गया, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 एंड 0, इसके 0 0 और इसके 1 कॉमा 0। अब 5 ग्राम वाले की बात हम करते हैं। 5 ग्राम में जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है, यहां से देखिए, क्योंकि ये जो दूरी है ये तो हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और ये वाली जो दूरी है ये होगी वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये दूरी, ये आपको पता है ये पूरा 1 है, 1 मीटर है ना, तो ये दूरी कितनी है, ये आधी, ये हो जाएगी 1/2, 1/2 भी लिख सकते हैं और 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा। अब रह गई ये दूरी, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना है, ये तो पता है कि 1 मीटर है, पर ये तो नहीं पता ना कि ये कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हो, ये और ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हमें ये कर्ण पता है, ये आधार पता है, अभी मैंने बताया ये आधा मीटर है, और लंब हमें निकालना है। इसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ ताकि हमें निकालना, जो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी आपको इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं, ये वाला जो बिंदु है ये O, ये A, ये B
तो ये हम दे देते हैं सी, त्रिभुज ओ ए सी में पाइथागोरस जो मैथ्स के बच्चे नहीं भी हैं उन्हें भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये तो आपने सेवेंथ क्लास में भी किया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। एक और चीज मैं यहाँ साथ में लिख देती हूँ, त्रिभुज के साथ में समकोण त्रिभुज लिख देती हूँ, समकोण त्रिभुज ओ ए सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर जो है ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट करना है ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर ओ ए, ये हमारे पास है एक, एक का स्क्वायर हो गया माइनस ओ सी, ये है एक बटा दो, एक बटा दो का स्क्वायर। मैं तो ये यहीं पर सॉल्व करती हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक का स्क्वायर होगा एक माइनस एक बटा दो का स्क्वायर होगा एक बटा चार, तो ये एक में से एक बटा चार जाएगा तो तीन बटा चार, ये ए सी का स्क्वायर आ रहा है, तो ए सी बराबर आएगा, इसका अंडर रूट हम कर देंगे रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें हमने ये तो लिया वन अपॉन टू, और ये कितना है, ये है रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं एक्ससीएम वाले फॉर्मूले में और वाईसीएम वाले फॉर्मूले में। तो एक्ससीएम फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। वैल्यूज रखते हैं, एम वन है तीन ग्राम का कर्ण, एक्स वन है जीरो प्लस एम टू है चार ग्राम का कर्ण, एक्स टू है एक प्लस एम थ्री है पांच ग्राम का कर्ण और एक्स थ्री है एक बटा दो, और नीचे ये सब जुड़ जाएंगे, तीन प्लस चार प्लस पांच, तीन की जीरो से गुना होगी जीरो, चार की एक से गुना होगी चार प्लस पांच की आधा से गुना होगी, और तीन और चार सात, सात पांच बारह, ये हम एलसीएम लेंगे। आठ और पांच तेरह बटे चौबीस, इसका जो एक्सीएम आया वो आ गया हमारे पास तेरह बटे चौबीस। इसी तरीके से हम वाईसीएम भी निकाल लेंगे, वाईसीएम इज इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री और अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो वैल्यूज रखते हैं, एम वन की वैल्यू है तीन, वाई वन की जीरो, एम टू की वैल्यू चार, वाई टू की जीरो, एम थ्री की वैल्यू पांच और वाई थ्री की रूट थ्री अपॉन टू, और नीचे ये सब प्लस हो जाएगा, तीन प्लस चार प्लस पांच, ये तो दोनों जीरो हो गए, ये हो गया पांच अंडर रूट तीन बटे दो, और ये आ गया तीन चार सात पांच बारह। तो ये हमारे पास आ गया पांच रूट तीन और चौबीस। तो जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आई वो हो जाएगी एक्ससीएम, एक्ससीएम आया हमारे पास तेरह बटे चौबीस, और वाईसीएम, वाईसीएम आया पांच रूट तीन बटे चौबीस। तो ये हो गया आंसर।